हे गाइस, हाउ यू ऑल, कैसे हो आप लोग? होप सो सब सही होंगे। तो फाइनली अभी जस्ट मैं नबार्ड का एग्ज़ाम दे के आया था। इसमें 76 पोस्ट थी और चार पोस्ट थे हिंदी वाले में थी, तो आप ध्यान से देखना एक बार। तो मैंने 76 पोस्ट वाला भरा था। काफ़ी लोग कह रहे थे सिर्फ चार पोस्ट हैं, टोटल 80 पोस्ट थी। तो अभी जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। कैसा एग्ज़ाम लेवल रहा, क्या अटैम्प्ट रहे मेरे, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश मॉडरेट था, इंग्लिश इतना ईजी नहीं था। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, देन 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 एप्टीट्यूड के। तो इंग्लिश में पैराग्राफ था, कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल थे। पैराजंबल भी ऐसे थे कि काफ़ी बड़े वाले थे, इजी वाले नहीं थे, कि हम वन लाइनर जैसे कहते हैं वो नहीं था। देन वर्ड को स्वैप करना, वर्ड स्वैपिंग था। और एक वोकैब दे रखी थी, उस पर तीन चार सेंटेंस दे रखे थे, उसको देखना था कि वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा। इंग्लिश में 40 में से टोटल जो अटेम्प्ट हुए हैं मेरे वो रहे हैं 30 30 अटेम्प्ट्स, सॉरी सॉरी, हाँ 30 अटेम्प्ट्स मेरे इंग्लिश में रहे हैं आउट ऑफ 40, जिसमें से 5 या 6 गलत होने के चांसेस हैं मेरे, क्योंकि टाइम कम रह गया था। तो जिसकी वजह से इसमें 1 घंटा पूरा था, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि 20 मिनट 20 मिनट, ऐसा नहीं था, 1 घंटे का पूरा टाइम था। तो जिसमें कि रीजनिंग में बहुत ईजी सेक्शन आया। रीजनिंग में जो मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं 30 आउट ऑफ 30 रहे हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का इतना इजी सेक्शन था। इसमें मैं फिर से एक पजल में अटका था, जो अटका था, जो मैं IBPS PO में मैं अटका था ना, सेम पजल में मैं फिर से अटक गया था। सेम टू सेम पजल थी कि बी सिट सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। मैं बार बार एक्सट्रीम एंड पे बिठा रहा था उसको, तो वहाँ से पर टाइम इतना था कि वो पजल बन गई थी। और बहुत ईजी क्वेश्चन थे रीजनिंग में भी। एक चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग था, सिलॉग्स थे, सिलॉग्स के बाद और क्या था, जैसे वो दे रखा होता है कि प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड देन सिंबल, फॉलोड बाय अ सिंबल, ऐसे एलिमेंट सर्च करने हमने, वो करते 5 नंबर के क्वेश्चन। तो रीजनिंग बहुत इजी रहा। उसके बाद एप्टीट्यूड में मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं 24 अटेम्प्ट्स रहे हैं एप्टीट्यूड में, टोटल रहे हैं 84 अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 100 मेरे। और एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशंस थे। उसके बाद DI थी, DI थोड़ी थोड़ी मतलब पढ़ के पता लग रहा था, वहाँ पर लेंथी क्वेश्चन दे रखा था, पर लेंथी नहीं था, जब सॉल्व किया बहुत इजीली बन गया था वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, ब्लैंकेट दे रखे थे मंडे ट्यूसडे में, ब्लैंकेट और कुछ ऐसा था, कर्टेन था या कुछ ऐसा था, तो उसमें डेटा दे रखा था, इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट हो रहे थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और DI, देन नंबर सीरीज थी, नंबर सीरीज मिसिंग वाली थी, बहुत ईजी बन गई वो भी 5 नंबर की। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक ही मैंने छोड़ा सर, बाकी कुछ नहीं छोड़ा एप्टीट्यूड में भी। टोटल अटेम्प्ट जो मेरे रहे हैं वो 84 है। मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी प्रोसेस आगे के लिए चलती जा रही है। करंट अफेयर्स मेरे चल रहे हैं, करंट अफेयर्स नॉर्मल चले जा रहे हैं, तो आगे के लिए मैं अपना रेडी रख रहा हूँ। होगा तब चल जाएगा, नहीं होगा तो अपना नेक्स्ट पेपर दे ही रहे। नेक्स्ट पेपर मेरा नैनीताल बैंक का है संडे को, तो उसका भी मैं आपको एनालिसिस दे दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।